नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव और जो एनडीटीवी रोड टू सेफ्टी के इस खास कॉन्क्लेव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुबह से कई अलग अलग सेशन हुए हैं। आज जिस या इस सेशन में जिस मुद्दे के ऊपर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे उसी के ऊपर, दो साल पहले या तीन साल पहले जब हमने शुरुआत की थी इस कैंपेन की, तब काफी उम्मीदों के साथ इस पर फोकस किया था। वो था हाईवे के ऊपर जो सुरक्षा का माहौल है या उसकी स्थिति है, और एक रिपोर्ट, एक जानकारों का एक पूरा पैनल है जो शायद और ज्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकेगा कि हाईवे की स्थिति जो अभी है वो ऐसी क्यों है, उसे बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। तो अपने मेहमानों से हम सबसे पहले परिचय ले लेते हैं, यहाँ शुरुआत तक करते हैं। मेरे बाईं तरफ से हमारे साथ एनके सिन्हा जी हैं, चेयरमैन इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के। उसके बाद रोहित बलूजा जी हैं जो आई आई टी के मुखिया हैं और बहुत सालों से रोड सेफ्टी पर काम कर रहे हैं और हमने साथ में भी काम किया। प्रसन्ना पटवर्धन जी उसके बाद हैं जो कि वो CMD हैं पर्पल ट्रांसपोर्टेशन के, जो बहुत सारे बड़े ट्रक्स और इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका पहलू जानने की कोशिश करेंगे। और ड्राइवर्स जिनकी बातें हमने इस डॉक्यूमेंट्री में काफ़ी उनके ऊपर फोकस किया था, उनका क्या पहलू है या उनका क्या कहना है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नवदीप सिंह मेहरान साहब हैं जो हेड सस्टेनेबिलिटी हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के। फिर नवदीप असीजा जी हैं जो ट्रैफिक एडवाइजर हैं पंजाब और फाउंडर हैं इकोकैब्स के। और इसके अलावा हमारे साथ हरमन सिद्धू जी हैं जो फाउंडर हैं ArriveSAFE के। और प्रसन्ना पटवर्धन जी, आपसे हम समझना चाहेंगे जिस का जिक्र मैं कर रहा था, ड्राइवर्स से जब बात करें, आमतौर पर शराब पीकर वो चलाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उनका ये कहना होता है, एक तो वजह हमने समझ लिया कि इतनी इजी अवेलेबिलिटी, अभी हमें जानकारी दे रहे थे हरमन जी की, एक आंकड़े में 30 सेंटीमीटर की दूरी थी हाईवे से ठेके की, 30 सेंटीमीटर, यानी आप हाथ बढ़ाइए और वहां से शराब ड्राइव इन की तरह आप ले लीजिए, ये स्थिति है। तो ऐसे में दूसरा पहलू ये होता है कि वो इतने प्रेशर में काम करते हैं ट्रक ड्राइवर्स कि वो जिनसे मैंने बात की उनका कहना था कि इसलिए मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मैं ठीक से चला नहीं पाऊंगा, उनके ऊपर आखिर किस चीज का इतना दबाव रखते हैं आप ऑपरेटर्स? ये खाली ऑपरेटर का सवाल नहीं है। अगर आप रोड सेफ्टी की इन जनरल बात करेंगे तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरुआत होती है, जैसे रोड का डिजाइन से वगैरह एक्सेट्रा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सेस टू द रोड। आप देखेंगे तो चारों बाजू से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देर इज नो एक्सेस कंट्रोल फॉर हाईवे। सो हाईवे पे जहां पर 80 या 100 के तादाद में गाड़ियां भाग रही है वहां कोई भी अंदर आ सकता है बाहर जा सकता है, तो एक्सेस कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज टोटली एब्सेंट इन आर कंट्री। ठीक है। दूसरा, जैसे कि जिस कंडीशन में ड्राइवर काम करते हैं यह हमको देखना पड़ेगा। जैसे आप हाईवे पे जाएंगे तो उसको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, उसको रेस्ट एरियाज नहीं है, उसको ढाबे पे रहना पड़ता है या कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है, इमरजेंसी रिलीफ सेंटर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हाईवे के लिए आवश्यक है वो बिल्कुल एब्सेंट है, तो ये सबका प्रेशर उस पर आता है। दूसरी चीज ऐसी है कि रोड पे ड्राइवर को एक इस तरीके से देखा जाता है कि भाई यही न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से ये ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन ड्राइवर का आप साइकोलॉजी देखोगे तो कहीं पर भी आप जाओगे तो ड्राइवर गाली ही खाता है, खाली मालिक से लेके अथॉरिटी तक सब लोग उसको गाली देते हैं, और एक साइकोलॉजी उसकी वजह से भी उनकी रेकलेस बन जाते हैं, वो उनको किसी की फिकर नहीं रहती। तो ये सब साइकोलॉजी, ये सब एनवायरमेंट जो है, तो पूरा के पूरा एनवायरमेंट हमें बदली करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो व्हीकल्स जिस प्रकार से हमारे बने हैं, अगर आपने देखेंगे तो जिस प्रकार से कार्स में इनोवेशन आया है उस प्रकार का इनोवेशन फ्रॉम सेफ्टी एंगल भी ट्रक्स में या बसेस में आया नहीं है, जो कि भी आने की आवश्यकता है। तीसरी चीज आप देखेंगे कि मैनपावर के बारे में एक अवेयरनेस, जैसे ड्राइवर में या ट्रेनिंग अवेयरनेस आने की आवश्यकता है, वैसे सिमिलरली पेडेस्ट्रियंस में भी अवेयरनेस आने की आवश्यकता है, उनके भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, सिमिलरली अथॉरिटीज में भी अवेयरनेस और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो ये पूरा एनवायरमेंट का वो इफेक्ट है जिसकी वजह से वो ड्राइवर तो एक रेकलेस बन जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर ना साहब आपसे हम समझ जाएंगे कि क्या इस तरह की जवाबदेही अगर बढ़ेगी तो आपको लगता है कि स्थिति बेहतर होगी? जरूर बेहतर होगी, और ये सबसे जरूरी है ऑडिट होना। दूसरा, एनालिटिक्स तो हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ हम खुलेआम लगा के रखते हैं सालों साल ये एक्सीडेंटल जोन है। अरे एक्सीडेंटल जोन है तो निकालो भाई इसको, एक्सीडेंटल जोन सालों साल कैसे रह सकता है? वैसे ही वहां बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम जिम्मेदारी हमेशा क्या बोलते हैं कि रोड की जिम्मेदारी जीरो है, ड्राइवर की जिम्मेदारी सब कुछ है।
बाकी कोई चीज की जिम्मेदारी कुछ नहीं, तो 99% आपको पंचनामा में दिखेगा कि ये ड्राइवर की वजह से। बैंगलोर में केस या कई ऐसे केस हुए जहां पर बेटे के ऊपर ही डाल दिया गया अपनी माँ की मौत का इल्जाम, क्योंकि बाइक से गिर के गड्ढे में महिला की मौत हो गई थी, तो जो बाइक बेटा चला रहा था उसी के ऊपर केस चल। तो ऑडिट है नहीं ना, ऑडिट है नहीं, अकाउंटेबिलिटी है नहीं, तो सालों साल वैसे ही चलता रहेगा। और जो धारा है पुलिस की वो किसी इंसान पे ही हो सकती है, मतलब वो पेड़ बिजली के खंभे पे हो ही नहीं सकती, तो उनको कहीं ना कहीं से दूसरा आदमी ढूंढ के लाना पड़ता है। अगर आपके ऊपर FIR रजिस्ट्री करनी है तो ज्यादातर अननोन डाल देते हैं, नहीं है तो कुछ कानून की भी ऐसी कई कमियां हैं जो शायद नए प्रावधानों में उसको डाला जा सकता है कि जुम्मेवार कौन। तो कानून बिल्कुल, तो जवाबदेही बनानी है सबसे पहले, जरूरी है। अलग अलग एजेंसियां जो रोड सेफ्टी पर काम कर रही हैं उनको आपस में सहयोग करना है, संवाद करना है, और साथ में सड़कों का भी ठीक होना बहुत जरूरी, और इन्फोर्समेंट तो है ही। तो कोशिश हम कर ही सकते हैं, उम्मीद भी कर सकते हैं कि मिशन 2020 में कुछ तो लक्ष्य हासिल हो। फिलहाल इस कॉन्क्लेव में आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पूरे ध्यान से इस पूरी चर्चा को सुना, और सभी मेहमानों का धन्यवाद अपने अपने इतने कीमती विचार हम सबके सामने रखे। जवाबदेही बनानी है सबसे पहले जरूरी है, अलग अलग एजेंसियां जो रोड सेफ्टी पर काम कर रही हैं उनको आपस में सहयोग करना है, संवाद करना है, और साथ में सड़कों का भी ठीक होना बहुत जरूरी, और इन्फोर्समेंट तो है ही। तो कोशिश हम कर ही सकते हैं, उम्मीद भी कर सकते हैं कि मिशन 2020 में कुछ तो लक्ष्य हासिल हो। फिलहाल इस कॉन्क्लेव में आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पूरे ध्यान से इस पूरी चर्चा को सुना, और सभी मेहमानों का धन्यवाद अपने अपने इतने कीमती विचार हम सबके सामने रखे। इस कॉन्क्लेव में आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पूरे ध्यान से इस पूरी चर्चा को सुना, और सभी मेहमानों का धन्यवाद अपने अपने इतने कीमती विचार हम सबके सामने रखे।